आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। विधान के पुनियार जक है श्री धर्मवीर जैन, प्रवीण जैन, बिट्टू, निखिल जैन, अर्पित जैन, अक्षय जैन एवं समस्त परिवार कैलाश नगर दिल्ली। निवेदक श्री दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधक समिति एवं सकल जैन समाज गली नंबर 2 कैलाश नगर। ओम ह्रीं मनं नमो भूहि बुद्धाय।
ओम ह्रीं मरं नमो अमी समीणं मम सर्वराजभयविनाशनं कुरु
मरम ओम रीम मरम नमो सर्वसावनम सिद्धे गुरु गुरु ओम रीम मरम नमो भैवदो महदी महावीर वर्धमान बुद्ध ऋषिणो सभी बोलेंगे मम सर्व शांति गुरु गुरु हो नमो भैवदो अरठन मिश्रठन मंदेण बंधामी राक्षाण भूयाण खेयाण चोड़ाण डाइडिण शाइडिण महोरगाण बंधाण सिहाण गहाण अन्ये विदुष्टा संभवन्ति देशिम सर्वेशिम मणु मोहंगैर्दृढां जिह्वेन वन्दामि धनु धनु महाधनु महाधनु जे 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 ढा 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 राम ह्रीं हूं ह्रों ह्रा ढा 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 ला 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 हूं फट स्वाहा ओम ह्रीं घीं श्री अप्रतिचक्रे फट विचक्राय श्रोम श्रोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं मरम मस्यावसा अनाहत विद्यायै नमः बोलिए मम श्रीं क्लीं मे मरं मस्यावसा नमः
दत्ताणम् अपराजितो भवतु रख रख स्वाहा। इति बद्धमा बद्धमान महाविद्याप्रसादात् श्री महावीर स्वामी तीर्थंकर परमदेवस्य चरणारविंद भक्ति पूजा प्रसादात् मम सर्व शांति। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरं वशिया उषा अनाहत विद्यायै ह्रों सर्व शान्तिर्भवतु स्वाहा। ॐ ह्रों छों फट् क्रीं क्रीं घादय घादय परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान् कुरु कुरु परमुद्रान् छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द स्फ्रां स्फ्रीं स्फ्रूं स्फ्रें स्फ्रूं स्फ्रां फट् स्वाहा। एतद् महारिद्धि सिद्धि शांति धारा प्रभावात् जिनके वस्त्र शुद्र हों वह खड़े हो जाए हाथ लगाए। ओम एतद् महारिद्धि सिद्धि शांति धारा प्रभावात् बोलिए मम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। धन धान्य ऐश्वर्य बलेश कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु तदास्तु सामोदो प्रमोदो भवतु शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु वृद्धिर्भवतु अविघ्नमस्तु आरोग्यमस्तु आयुष्यमस्तु शुभं कर्मास्तु कर्मसिद्धिरस्तु शास्त्रसमृद्धिरस्तु इष्टसंपादयस्तु अरिष्टनडसमनस्तु धनधान समृद्धिरस्तु सामन्तु घोराणि सामन्तु पापानि पुण्यं वर्धता धर्मो स्वस्ति अस्तु दे स्वस्ति अस्तु मे स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री कल्पतरु शान्तिनाथाय नमः मम प्रदाता आचार्य बुद्ध स्वहस्ते प्रदाता आचार्य भगवंत
गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री सप्तम भट्टाचार्य एकांत सागर जी महाराज की। समस्त वराज मुनियादि का शंख की। बोलिए चंदन सद Thank you.
जय हो 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 जय
ध्यान दीजिएगा, अपने पड़ोसी का नहीं, अपने मोबाइल का नहीं, ध्यान उसका दीजिएगा जो हमारी अंतरात्मा में शुद्ध बुद्ध ज्ञायक अंकुण की कीर्ति, ऐसी जो हमारी आत्मा हम सब संसारी आत्मा में है, उसका ध्यान जिन जिन ने दिया है वह ध्यानस्थ होकर के योगी होकर के परमेश्वर हो गए। क्यों ना हम परमपिता परमात्मा का स्मरण करें, जिनका स्मरण ही हमारे जिंदगी के लिए मंगलाचरण है। पूरी दिल की चेतना से, मन की एकाग्रता से, अर्जुन दृष्टि से जरूर उनका ध्यान करो, जिनके ध्यान से अनंत सुख, अक्षीण शांति और परमानंद की प्राप्ति होती है। लीजिए, रेंज मिलाइएगा और बात कीजिएगा। हो इमली का स्मरण करते ही मुख में आस्वादन खटास का हो जाता है। ऐसा ही जब हम दिल और दिमाग से, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से, कृतकारी तन्मोत्मा से जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तो हमारी दिल की टीवी पर परमात्मा की यदि मूरत नजर आने लगे, उनकी सूरत से हमको आत्मीयता होने लगे, परमात्मा और महात्मा अच्छे लगे या ना लगे, अच्छे के साथ अपने ही लगना चाहिए। और अपने कब लगेंगे? जब हम उन्हें अपना माने। मेरा सिद्धांत है, इसको आप लोग भी फॉलो कीजिए, आनंद आएगा, सफल होंगे।
आप चाहते हैं कि सामने वाला हमसे क्या करे, प्रेम, और प्रेम में कुछ दिया जाता है, अपना दिल सामने वाले को दे दो। परमात्मा की हम लोग आराधना करते हैं, इनकी पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि इनकी पूजन से ही हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। और पूजा में दो वर्ड है, एक पू और एक जा। पू मतलब पुण्यम, जा मतलब जायते। ययाः क्रियायां पुण्यम जायते सा पूजा, जिससे होलसेल में हमको क्या प्राप्त होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और पुण्य से क्या होता है, जो जो हमारे और आपके जीवन में अच्छा अच्छा होता है, जो दुनिया में सब यश कीर्ति स्वस्थता धन वैभव संपदाएं जो भी प्राप्त होती है, वह सब पुण्य के योग से प्राप्त होती है। भव्य जीवों के भावों की जब अभिवृद्धि अभिव्यक्ति हुआ करती है, तो वह पूजा में परिणत हो जाती है। परमात्मा की पूजा क्यों की जाती है, परमात्मा तो पूज्य हो ही चुके हैं। जैसे मैग्नेट के संपर्क में क्या आता है, लोहा, तो वह भी उसमें वह गुणों की प्राप्ति कर लेता है। नहीं चाहते उसे देखते हैं क्या, ऐसा बोलो कि भगवान आप हमारे और हम आपके, अपनी पत्नी से, अपने परिचित से, अपने मित्र से बोलते हैं, ऐसा बोला है भगवान से बोलो, भाग खुल जाएगा। जब ससुराल गई थी शादी के बाद तो किसे याद करती थी, ऐसा मंदिर से जब जाओ, ऐसा जब मंदिर से जाओ, जब भोजन कर रहे हो, जब दुकान पर ग्राहक आ रहा हो, उस समय परमात्मा याद आना चाहिए, तो तुम परमात्मा के सच्चे भक्त। धर्म मंदिर में तो हर कोई कर सकता है पूजन, सामने गुरु आ गए, मुनिराज विराजमान है, उनको तो हर कोई नमस्कार कर सकता है, उनको अर्घ चढ़ा सकता है। लेकिन जब आप नभोकार मंत्र का जाप कर रहे हो, उस समय आपको माला में नहीं, मन में आपको भगवान नजर आना चाहिए। आदमी कहते हैं कि मेरा मन माला में नहीं लगता है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, ना हुआ है ना हो सकता है। आप जब भोग भोगते हो आपका मन भटकता है, जब आप भोजन करते हो कभी मोह की जगह खाने में गया, जब नोट गिन रहे हो 2000 के नोट की गिट्टी तुमको दे दी जाए और साला भी जीवन में पहली बार आके सामने खड़ा हो जाए तो मन भटकेगा, देखोगे से जितनी महिलाएं बैठी हैं यहाँ की, एक पूरे दिल्ली की देख लेना, साड़ी की प्लेट एक एक मजा ले कि नहीं, ऊपर नीचे हो जाए, प्लेन मिस हो जाए चलेगा, प्रोग्राम मिस हो जाए चलेगा, इतनी महिलाएं बैठी हैं, किसी के एक देखो बिंदी यानी टेढ़ी या ऊपर नीचे है क्या। जब ये नहीं हो सकता है तो परमात्मा के ध्यान में दूसरे का ध्यान होता ही नहीं, होगा भी नहीं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ऐसा ही आपका कॉन्फिडेंस बनना चाहिए।
पहले भक्ति भेद भक्ति हो गई, भगवान आप और मैं आपका भक्त, ये भेद भक्ति है। फिर अभेद भक्ति होती है, फिर भगवान आप हमारे हैं और हम, और फिर जब निश्चय में जाते, जब श्रेणी आरूढ़ हो जाते, जब शुद्ध उपयोग हो जाता है, वहां पर भगवान की आवश्यकता नहीं है, हमारी आत्मा ही भगवान है। हम भक्ति ही अपने आप को भगवान की जब अनुभूति करने लगे तो उसे भगवान बनने में विलंब नहीं होता है। तो आप लोग पूजन करते हुए एक पूजक बन जाओ। पूजन करने वाले को क्या कहते हैं? पूजक। पूजक मतलब पुण्य का व्यापारी, बिजनेसमैन पूजन का। और जब पूज्य के प्रति आप पूजन करेंगे तो निश्चित है इनके संसर्ग से आके हमको पुण्य की भी प्राप्ति होगी। और हम स्वयं भगवान के पूजन क्यों करते हैं? तदगुण लगते हे भगवान, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जिन गुण संपत्ति, इसका मतलब क्या होता है? भगवान बाप बेटा क्या कहता है बाप से? तुम्हारी प्रॉपर्टी पर अधिकार किसका है? बेटा क्या कहता है बाप से? और बाप नहीं दे तो कोर्ट क्लेम करके भी लिया जा सकता है, क्योंकि बेटा है। लेकिन याद रखना, प्रॉपर्टी तो कोर्ट क्लेम से ली जा सकती है, तो उसका अधिकार है, लेकिन बाप का आशीर्वाद का कोर्ट क्लेम से नहीं होगा। वो बेटा राम जैसा ही बनना पड़ेगा, श्रवण कुमार जैसा ही बनना पड़ेगा, एकलव्य जैसी गुरु की भक्ति और चंद्रगुप्त जैसे की ही भक्ति को आशीर्वाद बरस जाएगा। आशीर्वाद के लिए तरसा नहीं जाता है। तो हम भी ये चाहते हैं इस पूजन से आप लोग इतने पुण्यशाली बन जाओ, इतना पुण्य का अर्जन कर लो कि आपकी आत्मा पुनीत हो जाए, आप स्वयं पूज्य हो जाएं, आप स्वयं परमात्मा हम सब बन जाएं। इसी मंगल भावना के साथ श्री चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज, दीक्षा प्रतीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य भगवान निकांत सुरेश्वर महाराज की, समस्त मुनि गुरु शब्द की जय। 14 तारीख को हमारे संघ चैत्यालय में 15 मिनट फिक्स 15 मिनट में कोई अभी चमनलाल जी से चर्चा कर लेंगे। हमारे 14 तारीख को भगवान की 15 मिनट पूजन होगी। प्रातःकाल किस टाइम होगी आपको बता दिया जाएगा। समस्त ज्ञान का अध्ययन कर ले, ऋजु और विपुल मति दूसरे के मन की कुटिलता को भी समझ ले। तो
बनना चाहिए भगवान का, और उसके लिए 100 ग्राम चांदी के 6000 रुपए है जो भाई दिखाना चाहे। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।